सौ बात की एक बात है, विजय रिया ब्लॉग्स के नाम से। दोस्तों मेरी इंस्टाग्राम आईडी है विजय रिया ब्लॉग्स 22। हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है विजय रिया ब्लॉग्स ब्लॉग्स में में। दोस्तों आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ स्वस्थ होंगे। होंगे। और दोस्तों आज कुछ अलग आप लोग वीडियो देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि ये जो चेहरे हैं नए हमारे हैं साथ ये बैठे हुए नए हैं, तो आखिर बात क्या है? और आप लोग थंबनेल में तो देख लिए सावधान, तो क्या ऐसी बात है दोस्तों? तो सबसे पहले आप सभी लोगों को बताना चाहेंगे दोस्तों कि ये जो वीडियो है ये ब्लॉग वीडियो होने वाली नहीं है। और हम कभी नहीं बोलते दोस्तों कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, लेकिन इस वीडियो को आप लोग पूरा लास्ट तक देखिए, तब समझ में आएंगे दोस्तों कि आखिर क्या बात है। तो पहले थोड़ा बता दें सर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। दोस्तों काफी दिनों से मैं रिसर्च कर रहा था कि कैसे विजय रिया ब्लॉग से मिला जाए। इनसे काफी दिली ख्वाहिश थी मुझे मिलने की, तो सोशल मीडिया में इनका कहीं भी कोई कांटेक्ट नंबर मैं ढूंढ नहीं पा रहा था। तो मैं इंस्टाग्राम में रिसर्च चालू किया कि शायद उनकी इंस्टाग्राम आईडी होगी, वहां पर मैसेज करूंगा और इनसे संपर्क हो जाएगी। पर इंस्टाग्राम में जब मैंने सर्च किया तो वहां पर दो तीन विजय रिया ब्लॉग्स के नाम से इंस्टाग्राम आईडीज मिली, तो मुझे समझ भी नहीं आया कि कौन सी फेक है और कौन सी जी ओरिजिनल बिल्कुल, वाली है। हाँ तो मैंने एक इसी तरह से तुक्के में लगा करके एक आईडी पर मैसेज किया कि मैसेज कर भाई दिया। आपसे मुझे मिलना है, कैसे आपसे मिल सकते हैं। हाँ, तो उधर से जो रिप्लाई आया, और आप सभी लोग बताते हैं दोस्तों कि हुई क्या। दरअसल जैसे कि हमारे पास लोग, मतलब कि जो फैमिली ही कहेंगे, तो डेली लोग मिलने आते हैं। डेली मतलब दो तीन ऐसे लोग डेली मिलने आते हैं। तो और दो लड़के आए थे तो वो भी बोले कि भैया आपको हम इंस्टाग्राम में मैसेज किए थे, आप मेरे को मतलब पैसा मांग रहे थे। इस जगह पैसे की बात आती है। तो दोस्तों बात यह है कि मेरे नाम से विजय रिया ब्लॉग्स के नाम से फेक आईडी बहुत सारे बने हुए हैं। वो भी एक आईडी मतलब तीन आईडी बने हैं। तीन आईडी अभी इंस्टाग्राम सर्च लिस्ट में आता है, और उसमें से दिखने में मतलब ऐसा लगता है ना कि एकदम ओरिजिनल एकदम है। रियल आईडी है। ये मेरा जो चैनल है विजय रिया ब्लॉग्स वो भी अटैच किया हुआ है, और उसका वहां लिंक उसमें दिया हुआ है, लिंक ओरिजिनल लिंक। लिंक दिया हुआ है, ओरिजिनल लिंक। कोई भी अगर क्लिक करेगा तो डायरेक्ट खुलेगा, और हाँ लोगों को लगेंगे कि नहीं विजय रिया का ही वो ओरिजिनल। मतलब इंस्टाग्राम आईडी है। हाँ और बात रही दोस्तों कि आज तक हम किसी भी मतलब कि वीडियो में ना ही डिस्क्रिप्शन में ना ही अबाउट में हम कहीं भी नहीं बोले हैं कि ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी आई है। एक्चुअली आईडी है। हम इंस्टाग्राम आईडी मतलब हम उतना चलाते नहीं थे। एक आईडी ऐसे ही मेरी मतलब बनी हुई थी पहले, जब हम मोबाइल नहीं मतलब हम यूट्यूब में जब नहीं थे, उस तो टाइम तब तो जैसे कि कोई अगर मांगते थे इंस्टाग्राम कि आपका इंस्टाग्राम नंबर क्या है, तो हम दे देते थे और बात विचार होती थी। और आप में से बहुत सारे लोगों से हमारी बात भी होती होगी, क्योंकि हम बहुत सारे लोगों से बात करते हैं। जैसे कि ये मुझे मतलब भनक मतलब क्या कहते हैं, जब लोग आए ना तो हमको कहें सर कि ऐसे ऐसे बात है, आप देखिए, और वो हमको और प्रूफ दिखाए, जो चैटिंग हुई थी ना वो सब प्रूफ, प्रूफ दिखाए। और मतलब एक्चुअल में वो करते क्या है जो मेरे साथ में भी हुआ था, वो थोड़ा हाँ सा आप लोग को बता देते हैं, जी तब थोड़ा सा समझ में आएगा। तो इनको जब हमने मैसेज किया कि विजय जी आपसे मिलना है, कैसे मिला जा सकता है, तो उधर से रिप्लाई आता है कि आपको अपना चैनल का प्रमोशन करवाना है। अगर आपको चैनल प्रमोशन करवाना है या कुछ सब्सक्राइबर गेन करना है जी तो इतने पैसे लगेंगे, बहुत हम आसानी से वो आपको करवा देंगे। तो मैंने सोचा कि वीडियो में विजय जी इतने सीधे साधे और मतलब डाउन टू अर्थ दिखते हैं, इस तरह तो उनका व्यवहार दिखता नहीं है। एक वीडियो को प्रमोशन के लिए इस तरह से तो वो पैसे मांग नहीं सकते हैं। जी तो मुझे शक हुआ कि कहीं ये आईडी फेक तो नहीं नहीं है, है नहीं है, और मैं उनकी झांसे में नहीं आया। तो हम अगर उतना एक्टिव नहीं समझिए कि रहते अगर हैं, मैं उनके झांसे में आता तो मेरी 20,000 रुपये चले जाती। जाते। और दोस्तों बताना चाहेंगे कि ये खैर मतलब कि शिक्षित है, ये पढ़े लिखे हैं, और ये टीचर हैं। इनका प्रोफेशन मतलब ये मतलब मिडिल स्कूल के ये टीचर शिक्षक है, हैं, पढ़ाते शिक्षक हैं हैं, बच्चे बच्चों को को। पढ़ाते हैं। इसलिए थोड़ा सा आप सोचे बढ़िया से कि आखिर मतलब क्या बात है। और बात ये भी है कि मतलब इनके भी एगो चैनल है जो, आरकेएम ऑटो ब्लॉग्स है जिसमें हाँ हम मेनली ऑटोमोबाइल के हाँ रिगार्डिंग मतलब वीडियोस बनाते उसमें हैं। मतलब कार्स के मतलब हाँ, रिव्यू, कार्स का तो रिव्यू वगैरह करते हाँ, हैं। तो इसीलिए मतलब ये सोचे कि एक्चुअल हम परख लें कि आखिर बात क्या है। बात क्या है। हाँ हाँ, तो फिर और ये मतलब सर जब मेरे घर आए, ये पहली बार ये सर नहीं आ रहे हैं, मैं दूसरी बार इस बार हाँ इनके घर आया दूसरी हूँ। बार ये सर आए हैं। तो पहली बार ही आप हमको बोले हैं बोले कि इस थे तरह से बात हो रही है, आप मतलब कि वीडियो बना करके बोल दीजिए।
तो हम उस समय उतना ये नहीं करें, सीरियस नहीं लिए जी इस तरह की, लेकिन बात हद से ज्यादा हो रही है, मतलब और लोग जो है इसके शिकार हो रहे हैं। हाँ, बहुत सारे लोग शिकार हो रहे हैं। जैसे हम पलंग लेने के लिए गए थे दोस्तों, जैसे आप लोग देख रहे हैं हम बैठे हुए, तो वहाँ भी हमें 3 लड़के मिले, मतलब लोकल ही लड़के मार्केट में। तो बोले कि भैया आप मतलब कि पैसा का बात कर रहे थे प्रमोट के लिए, तो हम तो मतलब हम चौंक गए, हम बोले यार हम तो बात किसी से हम करते नहीं है और इंस्टाग्राम में तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, तो पैसे की तो बात कहीं हुई नहीं है। तो बोले आईडी दिखाइए, तो हम देखे आईडी खोल करके, तो देख रहे हैं विजय रिया, तो हम समझ गए कि ये फेक आईडी है। और वो बोले भी, वो चैटिंग हमको दिखाए, जो बात हुई थी वो चैटिंग दिखाए, तो वही हमको दुख लगा कि काश ये सामने के थे, अगर पैसा अगर दे देते तो वो पैसा कितना नुकसान जाता, और आप भी अगर इस तरह से करते तो आपके साथ भी फ्रॉड कितनी बड़ी हो जाती। फ्रॉड हो जाती, देखिए मेरे लिए 20,000 बहुत बड़ी चीज नहीं थी, लेकिन एक आम इंसान के जिसके पास कोई रोजगार नहीं है, किसी तरह YouTube में वो वीडियो बनाकर ग्रो होना चाह रहा है, और वैसे लोगों के हाथ से अगर 10,000 रुपया भी निकलता है ना, तो बहुत बड़ी चीज हो जाती बहुत बड़ी चीज होती है। क्योंकि दोस्तों हम एक एक रुपया का हम लोग महत्व जानते हैं, हम और रियाज, जैसे कि एक्चुअल आप लोग तो हमारी ब्लॉग्स में देखे होंगे कि हम लोग मतलब कि किस स्थिति में थे, और हम नहीं चाहते हैं कि हम मतलब कि हमारे परिवार में से, क्योंकि आप लोग हमारे परिवार हैं, जितने भी हमारी वीडियो को देखते हैं हम लोग परिवार की तरह मानते हैं, तो हम नहीं चाहते हैं किन्हीं के साथ कोई फ्रॉड हो या किन्हीं के मतलब कि मेहनत का पैसा मतलब कि गलत जगह पे जाए, और मतलब बाद में लोगों को दुख लगती है अगर वो चीज मतलब गलत चीजों में जाए तो। पैसे की बात आती है, वो बिल्कुल से इनका चैन मतलब आईडी नहीं, वो फेक आईडी है, उसमें बिल्कुल ध्यान पता नहीं कि लोग ऐसे करते ही क्यों है। एक तो पहला बात है बदुआ लगेगा, शराब लगेगा, और ये सब घिनौने काम जिसे लोग क्यों करते हैं समझ भी नहीं आया। अभी आप ही लोग के साथ अगर होता तो कितना मतलब दुख की बात होती है। ये बात जो है, जो आपके YouTube फैमिली के जो लोग हैं, जो सब्सक्राइबर हैं, उनके तक बात पहुंचना चाहिए। हाँ, ये बात पहुंचना चाहिए, तभी फिर जाकर के लास्ट हम लोग आज इस वीडियो को बना रहे हैं कि ताकि किसी के साथ कोई फ्रॉड ना हो। और मतलब अगर मैसेज भी आते हैं तो सोच लीजिए कि वो फ्रॉड आईडी है, और पैसे की जहां तक बात रही दोस्तों, तो हम पैसे की कभी हम कहीं डिमांड ना ही किए हैं, और ना ही लाइफ में कभी हम ये सब करेंगे भी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई गरीब आदमी का हम पैसा लें। क्योंकि मैं भी एक नॉर्मल घर से हूँ, मैं भी एक पुअर फैमिली से हूँ, तो मुझे भी पता है कि मतलब क्या होती है पैसा की महत्व। इसी चलते हम इस वीडियो, और सर लोग हमें बोले कि आप अवगत करा दीजिए, क्योंकि इनके साथ भी हो जाती है। खैर ये आ गए हैं, अगर नहीं आते, अगर पैसा देते झांसे में, तो खैर देखिए हम लोग लोकल है तो हम लोग झट से मिलने आ गए, खोजते खोजते चलो 20-30 किलोमीटर के अंदर में इनका घर का आता पता नहीं था, लेकिन बस ऐसे ही किसी न किसी तरह से इन तक पहुंच गए, और गनीमत हुआ मेरे साथ जो भी फ्रॉड करने वाले लोग थे उनको नहीं दिए। लेकिन जब ऐसे ऐसे होने लगी ना, तो फिर सोचे कि नहीं अब तो इंस्टाग्राम में आना ही पड़ेगा, क्योंकि लोगों के साथ फ्रॉड हो रही है। कोई लोग कितने मेहनत से कमाते हैं, अगर अभी मेरे ही सैलरी थी 8,000 रुपया महीना, जब आप जॉब करते थे, तो सोचिए अगर हम ही अगर 20,000 का डिमांड करता अगर मेरे साथ कोई, तो हम किस तरह हम दे देते मान के चलिए, तो मेरी 3 महीने की पेमेंट आती। और एक चीज, आज ही जब इस बात का जिक्र हो रहा था, तो आपने एक वीडियो दिखाया था कोई महिला का, हाँ कोई, तो वो थोड़ा सा भी बता दीजिए। हाँ मतलब एक वीडियो भी बनी हुई है मेरे नाम से कि विजय रिया मतलब कि नाम से इतना पैसा लुटा गया, 15,000 समथिंग शायद महिला उनको दे दी है, दे दी है। और वो अपने वीडियो में स्क्रीनशॉट भी दिखाई है कि हमने पेमेंट किया। हाँ तो ये बात हुई है, फेक आईडी से बात हुई है, उनको लगा हुआ कि नहीं मेरे से बात हुई है, तो फेक आईडी से बात हुई है। तो अब उनको भी आप कोई भी पैसा देने से पहले आप लोगों को भी मतलब कि थोड़ी सी दिमाग लगाना चाहिए कि एक बार बात कर लें ऑडियो कॉलिंग कि है कि नहीं है। ये कोई अगर कह देगा कि हम विजय रिया कह रहे हैं, तो आप कैसे विश्वास कर लीजिएगा, या तो वीडियो कॉलिंग बात करिए या तो ऑडियो कॉलिंग बात करिए, है कि नहीं। हाँ, वीडियो कॉलिंग बात कीजिए फर्स्ट। इसीलिए हम इंस्टाग्राम आईडी आज बना रहे हैं, और मतलब बना ही लिए हैं, और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाला हुआ है। जैसे कि हम तभी मतलब वीडियो में थोड़ा कम आते हैं, क्योंकि हमारे साथ बहुत ही प्रॉब्लम हो रही थी, जैसे आप मेरे साथ पहले आए थे वीडियो में नहीं आए थे, लेकिन जब आप इस बार बोले और आप जब बोले कि चलिए हम भी थोड़ा बताते हैं, अवगत करा देते हैं, तो हम भी सोचे कि चलिए ठीक है। तो अगर मैसेज आए दोस्तों, तो आप लोग इस सब झांसे में ना आए। 100 बात की एक बात है, विजय रिया ब्लॉग्स के नाम से कोई भी इंस्टाग्राम आईडी से अगर आपसे पैसे मांगे जाते हैं, तो आप साफ साफ समझ जाइए कि वो फेक आईडी है, ठीक है ना, आपको पैसे नहीं देने हैं। बस यही हम लोग को आप लोग को बताना था, और मेरा डिस्क्रिप्शन में जो मेरी रियल आईडी है उसकी लिंक दे देंगे, अभी आप लोग वहां जाकर के फॉलो कर लीजिएगा, नाम है विजय रिया ब्लॉग्स 22। दोस्तों मेरी इंस्टाग्राम आईडी है विजय रिया ब्लॉग्स 22,
बिजेरिया ब्लॉक्स 22 मतलब लिखेगा तो आ जाएगी, मेरी ओरिजिनल आईडी है। और कोई भी आईडी अगर आप फॉलो किया तो अनफॉलो कर दीजिए, ऐसी जहाँ से मैं ना पड़े। बस यही मेन मकसद थी ये वीडियो बनाने की, और आप लोग सतर्क हो जाए ऐसे लुटेरों से। और पहले अपने भी हम चैनल में हम कई दफा हम बोल चुके हैं कि देखिए मिलने से ये होता है कि कोई भी इंसान, अगर मैं ही हूँ, अगर मैं किन्हीं के साथ अगर मिला भी हूँ, आप लोग देखे होंगे तो जिस वीडियो में हम लोग हैं उस वीडियो में व्यू गई है, बाकी जब फिर हम लोग अपना वीडियो बनाते हैं तो व्यू फिर नहीं जाती है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि आप लोग जहाँ से हैं, जिस जगह से हैं, मतलब जिस राज्य से हैं, आप लोग अपने जगह पे घर पे रह करके मेहनत करिए, जिस मतलब कि जिस कैटेगरी में हो आप लोग फोकस करिए। नहीं, और एक चीज हम बोलना चाहेंगे, ठीक है मिलना और नैतिकता जो है ना एक अलग चीज है, ठीक है ना, जिसे हमारे आसपास के लोगों को तकलीफ हो। मेरे साथ ही हो रही थी प्रॉब्लम, वो एक मतलब कि भावे स्नान कर रहे थे कुआं में, उनका वीडियो क्लिप आ गया, इससे मतलब कि हमको प्रॉब्लम होती थी, लोग झगड़ते हैं, आते हैं, गाली गलौज करते हैं, उन लोग तो वीडियो बना के चले जाते हैं, जब हम बोले भी दोबारा कि भैया उसको प्राइवेट कर दीजिए तो मेरे को उल्टा सीधा बोलने लगे। अच्छा, नहीं करेंगे, जब जो करना कर लो, मतलब फिर हम उनको समझाएं तो फिर जा करके करें, लेकिन थोड़ा सा हम ही को उल्टा बोले। अब जब नहाने की बात आई तो नहाने का जो वीडियो है, क्योंकि हम खुद नहीं चाहते कि उस तरह के वीडियो बनाना, लेकिन मजबूरन बनाना पड़ता है। जैसे आज ये वाले वीडियो हम नहीं सोचते कि अभी हमको बनाना पड़ेगा, लेकिन लोग ऐसे आ जाते हैं कि फिर बनाने पड़ते हैं। ये भी दो चार वीडियो में देखे इस तरह का कंप्लेन, और कुछ लोग इनको मार्केट में भी बोले कि आपके आईडी से पैसा मांगा जा रहा है, खुद मेरे साथ स्कैम हो रहा था, तो ऐसा लगा कि नहीं आप सब्सक्राइबर बंधुओं के सामने, सब्सक्राइबर फैमिली के सामने आकर के जो रियलिटी है वो बताना पड़ेगा जी। तो फिर आज दोस्तों फाइनली बता ही दिए, तो आप लोग आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि क्या बात है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं, ये कोई ब्लॉग वीडियो तो थी नहीं, बस ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना वाली थी, है ना, कि ताकि किन्हीं के पैसा फिजूल में ना जाए, वेस्ट ना जाए, मेहनत की पैसा होती है। तो आई होप कि आप लोग ऐसे मतलब स्कैम वालों से बच के रहें, और उन लोग को भी कहना चाहेंगे कि प्लीज आप लोग किसी गरीब का पैसा ना लूटे, ना खाएं। तो चलिए आज की वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, तो ठीक है दोस्तों, बाय बाय, खुश रहे, खुशियां बांटे, बाय बाय दोस्तों।